कोने कोने से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज ये मेरी तीसरी सभा है। दो दिन में छह जगह पे छह विधानसभाओं में मैं घूम कर आया हूं। हमने तो कहा था भाई 200-250 लोगों की मीटिंग होगी, इसमें जाएंगे, मगर जहां एक भी व्हीकल नहीं रखा है, एक भी साधन नहीं रखा है, वहां हजारों हजारों की भीड़ नजर के सामने उभरती। मैं बाहर से आया, पुलिस वाले गाड़ी इस ओर से लाए, मैंने बोला भैया जनता पीछे खड़ी है, दिखाई दे रहे हैं, हाथ ऊपर करो भाई, पीछे वाले पीछे पीछे बाहर जो हाँ ये झंडा खड़ा हुआ वहां तक लोग खड़े हैं। मैंने बोला भाई लोग यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? कि साहब ये तो मंडप के बाहर खड़े हुए लोग हैं, मंडप पूरा भरा हुआ है। तो मैं आप सभी का आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सभा में हृदय से स्वागत करता हूं। 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने अपना एक वोट देना है। आप ऐसा मत देखना कि आपका एक वोट कश्यप जी को विधायक बनाएगा, आपका एक वोट आपके क्षेत्र के लिए होगा। याद रखना, आपका एक वोट पूरे दिल्ली का भाग्य बदलने वाला वोट है मित्रों, भाग्य बदलने वाला। मित्रों, एक जो सरकार चल रही है दिल्ली में, आप पार्टी की सरकार चल रही है, ऐसे झूठे वादे करने वाली सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। मैं हर रोज पूछता हूं इस दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को कि भाई आपने वादे किए थे, आपको याद है क्या? मगर वो अपने वादों के लिए बोलते ही नहीं है, नए वादे करते जा रहे हैं, नए वादे करते जा रहे हैं। मगर मैं आज गोकुलपुर की जनता के सामने केजरीवाल ने जो वादे किए थे इसको याद कराने के लिए आया हूं। मित्रों, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में 1000 नए स्कूल बनाएंगे। गोकुलपुर वालों, एक भी स्कूल बना है आपके यहां? जोर से बोलो, बनाए क्या? उन्होंने कहा था 50 कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज बनाए क्या? जोर से बोलो, बनाए। उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए सुरक्षा के लिए। मित्रों, मैं पूरा मनोज जी का पूरा क्षेत्र देखकर आया, कहीं पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई नहीं पड़ा। आपने देखा है भाई? आपने देखा है? इन्होंने कहा ये युवा है, सबके पास मोबाइल है, उनको वाईफाई दे देंगे। मैं कल से सर्च करता हूं, मेरी बैटरी घिस गई, वाईफाई नहीं मिलता। तो आज मनीष सिसोदिया ने कहा अमित भाई हमने फ्री बिजली दी है, बैटरी चार्ज करवा लो, वाईफाई नहीं मिलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मगर मैं फ्री बिजली मिली ऐसा मानता था। अभी मैं आगे की सभा में गया, कोई आदमी खड़ा होकर कुछ दिखा रहा था ऐसे, बाबूजी एक थे, तो मैंने मनोज तिवारी को पूछा मनोज ये क्या दिखा रहे हैं भाई, कागज किस चीज का है? तो पूछा उनको, तो उन्होंने कहा हमारा बिजली का बिल है 200 यूनिट से कम है, फिर भी 800 रुपये का बिल आ गया है। तो भाई इन्होंने ना सीसीटीवी कैमरा लगाए, ना स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए। डीटीसी की 5000 बसें लाने को कहा था, डीटीसी की बसें भी नहीं आई। सारे अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाने के लिए कहा था, ये भी नहीं हुआ। 2 लाख लोग 8 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये भी नहीं हुआ। और मित्रों, उन्होंने कहा था यूरोप जैसी सड़कें बनाएंगे,
यूरोप जैसी सरकार। आप मैं अभी तो 3 विधानसभा घूमकर आया हूं, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं था। उन्होंने कहा था नए नए फ्लाईओवर बनाएंगे, ये जमुना जी को स्वच्छ करेंगे। भाई जमुना जी स्वच्छ हुए क्या? यमुना जी स्वच्छ हुए? अरे केजरीवाल, स्वच्छता कैसी होनी है? आप अगर इलाहाबाद कुंभ में गए होते प्रयागराज में, तो योगी जी और मोदी जी ने गंगा जो स्वच्छ करी है ना, तो गंगा जी में डुबकी लगा देते मालूम करना। मित्रों, यमुना स्वच्छ करने की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज आपको पानी में जहर जैसा पानी दे रहा है। पूरे भारत में गंदे से गंदा पानी पीने का अगर कोई एक राज्य में आता है तो ये मेरी दिल्ली में आता है। मित्रों, दिल्ली में आता है। इन्होंने कहा था कि हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री बन गए, सबसे पहली फाइल साइन करी अपने बंगले की साइन करी और चुपचाप बंगले में चले गए। उन्होंने कहा था सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, पूरे दिल्ली में सरकारी गाड़ी लेकर घूमे। भाई केजरीवाल, सब चीजों के आप जवाब तो दो। और मित्रों, यहां कितने लोग अनधिकृत कॉलोनी के बसते हैं, जरा हाथ ऊपर करो तो। भैया सबके सब है ना, सबके सब है ना। 2015 में मोदी जी ने उनको पत्र लिखा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है उसका आप सूची भेज दो, उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई करो। उन्होंने कहा 2 साल लगेंगे। फिर से 17 में पत्र लिखा, कहा कि भाई लाओ वो सूची, 2 साल हो गए और 2 साल लगेंगे। अब 19 का चुनाव आया, आपने मोदी जी को फिर से जिता दिया, ये मनोज को सांसद बनाकर भेज दिया। और आज मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं, इन्होंने तो रिकॉर्ड नहीं भेजा, सैटेलाइट से अनधिकृत कॉलोनियों को फोटोग्राफी कर मोदी जी ने सबको अपना अधिकार देने का काम किया। गोकुलपुरी वालों, अगर अब कोई कहता है कि अनधिकृत कॉलोनी है तो उसको धीरे से रोक देना कि भाई गलत बोल रहे हो, मोदी जी ने अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बना दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब पहले हमारे कार्यकर्ता मिलते थे उनको पूछते थे भैया ये अधिकार मिल जाए, ये मकान आपके नाम पर हो जाए, कितना रुपया भरोगे सरकार में? तो कहते थे 1 लाख तक भरने में हमें कोई आपत्ति नहीं। और मोदी जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये में आपकी रजिस्ट्री कराने का ऑर्डर कर दिया है। और 75,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्री हो भी गया है, आपका बाकी हो तो ऑनलाइन होता है, जरा करा दीजिएगा तो आपके भी बच्चे के नाम पर एक मकान हो जाए। मोदी जी ने 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के 50 लाख लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश, नया उजास भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जहां जहां चुकी है, मैं आपको वादा करके जाता हूं, मेरा कान पकड़ना, 2024 तक दिल्ली में जहां जहां चुकी है वहीं पर उसको 2 रूम का फ्लैट देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मगर ये सारा काम केजरीवाल जी आप तक इसलिए नहीं पहुंचना देने चाहते कि उनको डर है कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो गए। अभी इन्होंने बात करा हमारे मनोज जी ने, आयुष्मान भारत योजना आप तक नहीं पहुंची। देश भर में 1 करोड़ गरीबों के ऑपरेशन हो गए, 1 काणा पैसा का खर्चा नहीं हुआ। मेरे दिल्ली के भाई बहन क्यों इससे महरूम रह गए? क्योंकि ये आप पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना को नहीं स्वीकार, प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं स्वीकार। 5 लाख का फायदा सालाना, 5 लाख का मकान जो आपको मिलना है वो नहीं स्वीकार कर रही है। उनको तो अपनी पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्ट है।
मित्रों, एक और मोदी जी ने 5 साल के अंदर 13 करोड़ लोगों को गैस दिए, 10 करोड़ लोगों को शौचालय बनाए, 10 करोड़ लोगों को घर का घर दे दिया, सब घर में बिजली पहुंचाया, उनको 5 लाख का स्वास्थ्य का कार्ड दिया। और अब मोदी जी ने कहा है 2024 के पहले हर घर में शुद्ध पीने का पानी पाइप के द्वारा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मगर भाई बाकी तो जो हो, ये केजरीवाल जी है बड़े होशियार, बहुत चतुर आदमी है। मैं बताऊं क्यों, मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से कहा कि पूरे देश में हर घर में मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाऊंगा। अब मुझे बताओ गोकुलपुरी वालों, ये गोकुलपुरी और दिल्ली देश में आता है या नहीं आता है? जोर से बोलो, आता है या नहीं आता है? तो जब मोदी जी ने कहा तो आपको पीने का पानी का वादा मोदी जी ने दे दिया है या नहीं दे दिया? तो केजरीवाल जी सितंबर में नए कपड़े पहनकर खड़े हो गए और कहा कि मैं पूरे दिल्ली वाले को स्वच्छ पानी दूंगा। अरे भाई मोदी जी देने ही वाले, तुम थप्पा क्यों लगा रहे हो? मोदी जी ने वादा किया है। अरे भाई शांति। और मोदी जी का वादा केजरीवाल आपके जैसा नहीं होता, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और पूरी देश की जनता कहती है मोदी है तो, जोर से बोलो मोदी है तो। मित्रों ये विकास, ये आप पार्टी का कोई संस्कार ही है और ये कांग्रेस पार्टी। कई बार तो मैं आरोप करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर, मुझे लगता है कल टूट पड़ेंगे मुझ पर। दूसरे दिन कोई बयान नहीं आता, बाद में ढूंढते कहां गए तो के इटली गए, वैकेशन पर गए। हर 6 महीना 1 महीना वैकेशन पे चले जाते, हमें मालूम नहीं क्यों जाते। मगर मित्रों वो ये दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। केजरीवाल को 5 साल का आपने मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो दिया या नहीं दिया भाई। कांग्रेस को 15 साल का मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो दिया या नहीं दिया। आपके रोड अच्छे बने हैं? आपका अनधिकृत कॉलोनी अधिकृत हुआ था? आपके घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचा है? आपके बच्चों को नौकरी मिला है? नए अस्पताल बने हैं? तो 5 साल नरेंद्र मोदी को दे दो, हम विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बना देंगे। मित्रों विश्व की सबसे अच्छी। मोदी जी को 2014 में आपने जिताया, 2019 में जिताया और 303 सीट दे दी। और ये 303 सीट मिलने के बाद, दूसरी टर्म आने के बाद मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक काम करना शुरू किया। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, देश भर के लोगों की इच्छा थी या नहीं थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने? थी या नहीं थी? आप चाहते हो रहे या नहीं? 500 साल से ये देश के लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए वो उसी जगह बनना चाहिए जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। मगर राहुल बाबा एंड कंपनी, केजरीवाल एंड कंपनी रोड अटकाती, कोर्ट में केस आता था, अभी ना चलाइए, थोड़े समय बाद चलाइए। कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, क्यों भैया कपिल तेरे पेट में क्या दर्द होता है बताओ जरा। ये दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, केस की डेट आई, केस चलने लगा और 5ों जजों ने कह दिया जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे वही भव्य राम मंदिर का निर्माण। और मित्रों मैं आज आपको कहकर आज जाता हूं गोकुलपुरी वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 ही महीने में आसमान को छूने वाले भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मित्रों शुरू। भाई मुझे बताओ
गोकुलपुरी वालों, 370 धारा हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी? ये कश्मीर देश का हिस्सा हो आप चाहते हैं या नहीं चाहते? ये कश्मीर हमारा है या नहीं? ये धारा 370 35 ए 70 साल से कश्मीर को भारत के साथ जुड़ाव को रोकती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 को छूने की, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक नजर आती थी। उनके वोट नहीं मिलेंगे, उनकी वोट बैंक नजर आती थी, तो 370 हटाने को तैयार नहीं थे। हम भाजपा वाले हैं मित्रों, माताओं बहनों भाइयों, हम भाजपा वाले हैं। हम वोट बैंक की चिंता नहीं करते हैं, देश की चिंता करते हैं। और आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया, 303 सीट दे दी। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में मोदी जी ने हमेशा के लिए धारा 370 को संविधान से हटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात आप लोग बताओ, कश्मीर के अंदर तिरंगा फहरना चाहिए नहीं? आज तक 2 झंडे फहरते थे, इस बार 15 अगस्त को, इस बार जब 26 जनवरी आएगी, हमारा प्राण से भी प्यारा तिरंगा कश्मीर के अंदर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। मित्रों, 2 साल पहले ये जेएनयू, जानते हो ना जेएनयू को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? वहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। अब भारत के 1000 टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना? जोर से बोलिए, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मोदी जी ने उठाकर उनको जेल में डाल दिया। अब उनको प्रोसिक्यूशन की मंजूरी, केस चलाने की मंजूरी केजरीवाल ने देती है, अब तक नहीं देते हैं। उनको डर लगता है कि उनकी वोट बैंक जो है ना, वो जानते हो ना कौन सी, जानते हो या नहीं जानते हो, वो वोट बैंक नाराज हो जाएगी। हम नहीं डरते हैं भैया, जैसे ही जेल में डाला, ये केजरीवाल और राहुल बाबा दोनों खड़े हो गए और कहा इनका वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अरे भैया राहुल, मोदी जी की सरकार है, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार ये गोकुलपुरी वालों को भी है, सबको है। पर वाणी स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग कर हमें जितनी गालियां देनी है दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी पेट न भरे तो मेरी पार्टी को गाली दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे ही जाना पड़ेगा। मित्रों, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के कारण देश के टुकड़े करने वालों के संरक्षक बन के खड़े, और उनको जवाब देना चाहिए देश की जनता को। मैं आज पूछना चाहता हूं, मोदी जी अभी सीएए लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, क्या है सीए? सीए के अंदर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोग आए हैं, जिनके साथ वहां अत्याचार हुआ, इनके नजर के सामने महिलाओं की इज्जत लूटी गई, सर काटे गए, उठवा लिया गया, निकाह पढ़ा लिया गया, धर्मांतर किया, हजारों हजारों धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया गया। वो अपनी जान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत, अपना धर्म बचाने के लिए भारत में आए। ये लाखों करोड़ों लोग 70 साल से यहां आए। केजरीवाल कहते ये पाकिस्तानी है। केजरीवाल, आपको मालूम नहीं है, विभाजन हुआ तब से 1/3 दिल्ली शरणार्थियों का बना हुआ है, शरणार्थियों का बना हुआ है। आपको इसमें पाकिस्तानी दिखते हैं, मुझको उसमें मेरे भाई, माँ और बहन दिखते हैं। मुझे बताओ माताओं, भाई हो बहनों, ये जो अपने महिलाओं को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां शरण लिए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
जोर से बताइए केजरीवाल के कानों में हाथ पर आवाज पर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी सब इसका विरोध करें। क्यों विरोध करें भला? क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है कि वोट बैंक वोट नहीं देगी, मगर हम नहीं डरते हैं भैया। उन्होंने गुमराह किया देश की माइनॉरिटी को, युवाओं को देश में दंगे कराए, और आज भी कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं। शर्म नहीं आती? आज भी कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं। मित्रों, मैं आपको पूछने आया, इस देश में, इस राज्य में अगर दंगा कराने वाले ही सरकार में बैठ गए तो दिल्ली सुरक्षित रह सकती है क्या? जोर से बोलो, रह सकती है? उस दिन टीवी पर दृश्य देखा था या नहीं देखा था? बसें जलाते थे देखी थी या नहीं देखी थी? कौन जलाता था? ये इनके लिए वोट बैंक। मैं इतना ही कहना चाहता हूं माताओं, भाइयों, बहनों, ये दंगे फैलाने वालों के हाथ में दिल्ली का शासन मत दीजिए। हमारे शरणार्थी भाई जो इतनी विपदा सहन कर यहां आए हैं, उनको पाकिस्तानी की गाली देने वालों को आप समर्थन मत दीजिए। ये शरणार्थी जो आए हैं हमारे भाई, हमारे भाई बहन, उनको हमें सम्मान देना है, और महात्मा गांधी ने भी यही कहा। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लोग कोई भी मुद्दा हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे धारा 370 हो, सीए हो, राम मंदिर हो, केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों विरोध करते हैं, और जैसे ही वो एक स्टेटमेंट देते हैं दूसरे ही दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसा ही स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं 370 नहीं हटानी चाहिए, इमरान खान कहते हैं नहीं हटानी चाहिए। 35 से नहीं हटानी चाहिए, राहुल और केजरीवाल बोलेंगे, इमरान कहेंगे नहीं हटानी चाहिए। सीए नहीं करना चाहिए तो दूसरे दिन इमरान कहेंगे सीए नहीं करना चाहिए। वो कहेंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत के टुकड़े करने का नारा लगाने दो, इमरान भी कहेंगे। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि इमरान खान, राहुल गांधी और केजरीवाल जी के बीच में संबंध क्या है। इन लोगों के स्टेटमेंट क्यों एक समान आते हैं? मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने विकास करने वालों को पहचानने की जरूरत है, और झूठे वादे करने वालों को पहचान करने की जरूरत है। विकास का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने देश बदला है, पूरा देश बदला है। मैं आज दिल्ली वालों को कहने आया हूं, मोदी जी को एक मौका दीजिए, मोदी जी दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभा समाप्त होने के बाद कितने लोगों के पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर करो, है ना सबके पास? तो ये सभा समाप्त होने के बाद 50-50 लोगों को फोन करना है, मामा को, मामी को, चाचा को, चाची को, काकी को, काका को, फूफी को, फूफा को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बहन को, बहने को। करोगे क्या? 50-50 फोन करोगे? सबको कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहोगे? हमारे भाई कश्यप को विधायक बनाओगे? दिल्ली में कमल फूल की सरकार बनाओगे? दिल्ली को सुरक्षित करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे